हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। और ये देख सकते हैं घर का नज़ारा, क्या हाल हो रखा है। घर का पूरा फैलावा हो गया और यहाँ दिखाती हूँ अलमीरे में पूरा कार्टन कार्टन है भरा हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें है सामान पैक। क्यों? ये आगे आगे की वीडियो में पता चलेगा, वैसे देख के अंदाजा लगेगा क्यों क्यों ऐसा है, पूरा घर फैलावा है। तो चलिए मैं ही बता देती हूँ, मैं यहाँ से हो रही हूँ अब दूसरी जगह पे शिफ्ट, इसीलिए ये पूरा पैकिंग वगैरह हो गया है सामान लेके जाने के लिए। घर खाली करने में बहुत परेशानी हो जाती, समझ में नहीं आता क्या लेकर जाए क्या छोड़े। और यहाँ पे निकल रहा है एसी का पाइप, क्योंकि मेरा पाइप एसी का जो है किचन से होते हुए गया वाला। तो भेजने वाला 12, तो हम लोग अभी जा रहे सोने। एसी खुल के यहाँ रखा गया, देखिए कैसा लग रहा है यहाँ पे। अभी ये सब सामान पड़ा हुआ, काफी सारा सामान पड़ा हुआ है। तो देखिए किचन का भी कुछ यही हाल हो रखा है, सामान सब जैसे तैसे। और इसमें ना कुछ वो मसाले के और सामान सब का जो खाली हुआ था ना, बोतल और डब्बा वगैरह, वो सब साफ करके धो के रख दिए। और खाना पीना हो गया है, चूल्हा वगैरह सब साफ करके चलते सोने। शंभू बिल्कुल प्यार से भाई। सो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। और देखिए अभी बच्चों के रूम से दोनों बेड निकल रहा है, क्योंकि सबसे पहले यही भेजेंगे हम लोग। और बेड हटाने के बाद देखिए कितना ज़्यादा अंदर से कचरा निकला है, बहुत गंदा है अंदर में। और अभी यहाँ से ही सारा बेड वगैरह को झाड़ झाड़ कर मैं भेजूंगी, क्योंकि वहाँ पे फिर दिक्कत नहीं होगा, वहाँ जाएगा और सीधा सेट होता रहेगा। लेबर लोग आए, ये लोग सब सेट कर देंगे, इसलिए सब कुछ यहीं से ही साफ सफाई करवा के करके और उसके बाद भेज रहे हैं। यहाँ से सबको झाड़ देते हैं, पीछे से थोड़ा बहुत झोल वगैरह लग जाता है उसको। और एक वो मंदिर जाना है, ये छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन ये फर्स्ट पार्ट में बैठा वो मंदिर जाएगा, मंदिर जाएगा। ये एक चीज पल्ला छूट जाए तो छूट जाए, दूसरे का भी चलेगा। वो हम उठा लेते हैं अभी, पहले एक बार रख लो। तो फ्रेंड्स, अब ये फर्स्ट टाइम सामान जा रहा है, देख सकते हैं गाड़ी में सामान लोड हो चुका है और ड्राइवर बैठ गए हैं। तो आगे ये सामान लेकर जाएंगे और पीछे से मैं जा रही हूँ। भगवान का कुछ मूर्ति था मिट्टी वाला, जो कि हाथ में ले लिए थे, और इसको लेकर मैं आगे बढ़ जाऊंगी। तो अभी हम दोनों जा रहे हैं, सिर्फ बच्चे रहेंगे घर में। तो फर्स्ट बार सामान जा रहा है ना, तो मैं जाऊंगी वहां पे, फिर बता कर आऊंगी कैसे कहाँ कहाँ क्या रखना है इसलिए। और टाइम भी था कि चलो पहले भगवान जी को अंदर ले चलते हैं। तो बस अब हम लोग भी निकल गए हैं और अभी बच्चे हैं घर में, बच्चे रहेंगे। अगर ये गाड़ी पहले आ जाएगी तो फिर सामान भी ये लोग लोड करवा देंगे। तो चलिए निकलते हैं और वहाँ चल के दिखाते हैं। तो देखिए ये है मेरा नया घर, तो मैं आ गई हूँ। और ये देखिए बेड लाने में यहाँ पे क्या कर दिया ये लोग, यहाँ से थोड़ा सा प्लाई हट गया तो उखड़ गया है। और फिर अभी ये सामान रख के और मैं फिर वापस से पुराने वाले घर पे आ गई हूँ। और अभी इतना कुछ कुछ बचा हुआ है और अभी यहाँ पे और पैकिंग हो रहा है। हाँ नहीं, वो कुछ बेच रहा है यहाँ पे, अभी बर्तन पैक हो रहा है। अच्छा, और यहाँ पे अभी ये बेड पड़ा हुआ है, इसका कवर फट गया, ये गद्दा यहीं छूटेगा। अब यहाँ खा रहा है, अब ये सिर्फ ये बेड बचा है, अलमारी चला गया। देखिए कितना गंदा लग रहा है यहाँ पे।
ये शीशा बचा हुआ है, छोटा छोटा टीवी, टीवी तो गाड़ी में जाएगा। और इधर खाने में बनाई थी सैंडविच सुबह सुबह, जल्दी में क्या बनता टाइम क्या, हम निकाल देते हैं। और इधर इसको खाली कर रहे हैं, काम भी हो रहा है, खाली भी हो रहा है, अभी बेड भी खाली करना है। और अभी क्या इसको ये बना रहे हैं। और अब आ गया ये बेड जाने की बारी, तो मैं इसकी साफ सफाई कर रही हूँ। सब पोछ पोछ के भेजने से क्या हुआ ना कि वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ, तो बस यहीं से सारा साफ सफाई कर करके भेजते गए। और यहाँ पे एक्वेरियम जाने के लिए या ये पानी खाली कर रहा है फिश पॉट का, और यहाँ से भी काफ़ी सामान हट गया है। तो बस तो फ्रेंड्स अब ये सीधा रात के टाइम का वीडियो है। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। छोटा छोटा सामान जो है ना वो जो गाड़ी में जाने लायक है, जैसे ये टीवी वगैरह गाड़ी में लेके जाएंगे, बाकी ये सारा सामान जो है ना वो बहुत सारा सामान रह गया जो उतना काम का नहीं है और है भी तो धीरे धीरे गाड़ी में जाने लायक है, तो ये सब बाद में लेके जाएंगे आराम आराम से। तो बस अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। बहुत आम जाम हो जाता है भाई, 8:30 का टाइम हो गया था। तो बस अब पूरी फैमिली अब यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं, काफ़ी थक गए सब कोई बहुत। तो फ्रेंड्स अभी जस्ट अभी हम लोग पूरे आदमी यहाँ से आ रहे हैं और जब तक हमारे पति देव कुछ कुछ शिफ्टिंग कर रखे थे, तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं अपने नई घर न्यू हाउस। ये देखो यहाँ पे अभी हम लोग जाके मार्केट से ले आए सामान, बेसिक जो भी काम है वो सब, ऑल आउट मैट, बर्तन धोने के लिए जूना और गैस के लिए बाल्टी और मग और पर्दा, वाइट कलर का पर्दा लाए, जब लगेगा ना तब बताएंगे। और ये देखो ये रूम में तो अभी बेड वगैरह लग चुका है, सेटल है ये रूम, पर हॉल भी अभी थोड़ा सा सेटल है, पर यहाँ पे पूरा अभी कबाड़ भरा है, मतलब कि कल सामान ये सब रखाएगा। इस बेड पे अभी तक वो नहीं रखाया। हाँ ये देखो अभी डिफेक्टर निकल गया, जा देखे ही नहीं थे। अरे इतना सच क्या होता है, इतना सच कल परसों कर लेंगे। वो तो जानते हैं कर देंगे, वो कर देंगे। देखो अभी सब बर्तन ऐसे ही पड़े, अभी मम्मी को खुद से जब तक किचन नहीं धोएगी खाना नहीं बनेगा। देखो कबाड़ से खाना आया, दाल मखनी बनेगा लेकिन अब इतना रात हो गया तभी कैसे बनेगा। दाल मखनी, रोटी, सिरका वाला प्याज, चटनी, 6 बजे सूरज सब। देखो ये बहुत उतावला है।